हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सिरेटिव डॉक्टर। इस चैनल पे मैंने पहले दो वीडियोस अपलोड किया था पेल्विक किडनी के ऊपर में, जिसे हम नेफ्रोटोसिस या फिर फ्लोटिंग किडनी भी कहते हैं। उन दोनों वीडियोस पर बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे रिगार्डिंग द पेल्विक एलिसियल सिस्टम की। ये पेल्विक एलिसियल सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट में लिखा आ रहा था कि पेल्विक एलिसियल सिस्टम इज माइल्ड डायलेटेड या फिर पेल्विक एलिसियल सिस्टम इज माइल्ड प्रोमिनेंट। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये पेल्विक एलिसियल सिस्टम क्या है, चूंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए, सभी का डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है सिरेटिव फिजियो नाम से, जहां पर मैं मेडिकल के लेक्चर्स डालता हूं, मेडिकल के अलग अलग टॉपिक्स को डालता हूं सिलेबस का। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अभी करंटली न्यूरो एनाटॉमी वहां पर चल रहा है, उसका उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां पर आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं पेल्विक कैलिसियल सिस्टम के बारे में। इस पेल्विक कैलिसियल सिस्टम को समझने के लिए आपको किडनी का एक स्ट्रक्चर समझना होगा। पहले एक ओवरव्यू समझते हैं, जरा डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहले हमारे किडनी का फंक्शन क्या है। हमारा किडनी यूरिन को फॉर्म करता है, हमारे किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, जो भी जहरीला पदार्थ निकलता है जिसका कि हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल कर फेंकना है। तो उसी कारण से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। वो सारा टॉक्सिक सब्सटेंस, वो सारा जहरीला पदार्थ यूरिन के थ्रू ही हमारे बॉडी से डिस्चार्ज होता है। अब किडनी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है माइनर कैलिक्स, दूसरा स्ट्रक्चर है मेजर कैलिक्स और तीसरा है रीनल पेल्विस। ऐसे तो और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पर इस पेल्विक कैलिसियल सिस्टम को समझने के लिए ये तीन स्ट्रक्चर सफिशियंट है। इसी तीन स्ट्रक्चर्स का हमें काम है यहां पर। क्लियर। सबसे पहले किडनी के हर एक अलग अलग एरियाज में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब उस यूरिन को किडनी से बाहर करके बॉडी से वो डिस्चार्ज कराना है, तो उसका कुछ रास्ता होगा, तभी वो यूरिन वहां से निकलकर बॉडी के बाहर जा पाएगा। तो ये पेल्विक कैलिसियल सिस्टम ही वो रास्ता है जिसके थ्रू यूरिन डिस्चार्ज होता है, किडनी से बाहर निकलता है बेसिकली। ठीक है, तो होता यह है कि यूरिन के फॉर्मेशन के बाद जो भी किडनी के अलग अलग एरियाज पे यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरिन बना है, वो यूरिन वहां से माइनर कैलिक्स में आता है। माइनर कैलिक्स एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा बहुत पतला पतला पाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। लगभग 7 से 13 माइनर कैलिक्स होता है एक किडनी के अंदर, लगभग 7 to 13 माइनर कैलिक्सेस आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। ठीक है, तो 7 से 13 माइनर कैलिक्स है। अब जो यूरिन फॉर्म हुआ था वो हमारा माइनर कैलिक्स में आ चुका है। अब माइनर कैलिक्स के बाद क्या होगा कि वो सारे माइनर कैलिक्स, 2-3 माइनर कैलिक्स एक साथ मिलकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं, यानी कि छोटा छोटा पाइप्स जो है वो छोटा पाइप्स मिलकर कुछ बड़ा बड़ा पाइप्स का 3-4 गुच्छा बनाता है। ठीक है, उसे हम मेजर कैलिक्स कहते हैं, यानी कि यूरिन सबसे पहले हमारा माइनर कैलिक्स में आता है, माइनर कैलिक्स के बाद वो मेजर कैलिक्स में आता है, फाइनली मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस का फॉर्मेशन होता है, कि जितने सारे भी मेजर कैलिक्स हैं वो सारा एक साथ इकट्ठा होकर एक सिंगल पाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और यही रीनल पेल्विस फाइनली उस यूरिन को बाहर ले आकर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में पहुंचाता है और फिर ब्लैडर से हमारा यूरिन डिस्चार्ज होता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हमारे किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर, इन तीनों का फंक्शन बस यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन ही है, हमारे किडनी से लेकर हमारे ब्लैडर तक, ये इस तीन चीज का फंक्शन है। और यही माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और रीनल पेल्विस एक साथ मिलकर बनाते हैं पेल्विक कैलिसियल सिस्टम। यहां तक क्लियर होगा। अब जो रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलता है कि पेल्विक कैलिसियल सिस्टम इज माइल्ड डायलेटेड या फिर पेल्विक कैलिसियल सिस्टम इज माइल्ड प्रोमिनेंट, इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है सही से, वहां पे कोई परेशानी नहीं है, यूरिन फॉर्मेशन के बाद अब उस यूरिन को उठाकर बाहर ले जाना है ब्लैडर में, ताकि ब्लैडर से वो हमारे बॉडी के बाहर डिस्चार्ज होकर यूरिनेशन हो सके। तो किसी कारणवश अगर यूरिन फॉर्मेशन के बाद उस यूरिन को किडनी से उठाकर ब्लैडर तक पहुंचाने के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते में कुछ भी रुकावट आए, वो कुछ स्टोन हो, कैलिकुली हो कुछ, या फिर पेल्विक किडनी में देखने को मिल सकता है ऐसा, या तो अगर पेल्विक किडनी हो या फिर कुछ स्टोन हो, ठीक है, तो उस कारण से क्या होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन तो होगा, यूरिन किडनी से बाहर भी निकलेगा, पर वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो या तो रीनल पेल्विस या फिर मेजर कैलिक्स या फिर माइनर कैलिक्स में जाकर वहां पे यूरिन जमा होने लगेगा। उस यूरिन के जमा होने से क्या होगा कि वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा यूरिन का, जैसे जैसे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो जो स्ट्रक्चर है
वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा, वो चूंकि वहां पे यूरिन आके जमा हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, तो वो फैलना शुरू होगा. दैट इज नोन एज द डायलेशन ऑफ पेल्विक कैलिसल सिस्टम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रोमिनेंट पेल्विक कैलिसल सिस्टम. इसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कह सकते हैं. क्लियर? तो पेल्विक कैलिसल सिस्टम बेसिकली यही है, और इसका डायलेशन मतलब आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे, यूरिन किडनी से निकल रहा है पर उसके रास्ते में कुछ रुकावट आ रही है, उस रुकावट के कारण वो यूरिन हमारे ब्लैडर तक नहीं जा पा रहा है, वो रास्ते में ही जमा हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है यूरिन. दैट इज नोन एज द पेल्विक कैलिसल सिस्टम. अब पेल्विक किडनी में ऐसा क्यों देखने को मिलता है? पेल्विक किडनी के बहुत सारे केसेस में हमें ये डायलेशन ऑफ पेल्विक कैलिसल सिस्टम या फिर प्रोमिनेंट पेल्विक कैलिसल सिस्टम देखने को मिलता है. तो ऐसा इसलिए कि पेल्विक किडनी में क्या होता है कि हमारा किडनी जो है वो ड्रॉप कर जाता है अबाउट 5 सेंटीमीटर बिलो. जैसे ही किडनी ड्रॉप करेगा तो यूरेटर ट्विस्ट हो जाता है. अब यूरेटर ट्विस्ट होगा तो भाई रुकावट तो यहां भी आ गया, हमारे किडनी से यूरिन निकला पर यूरेटर ट्विस्टेड है, वहां से यूरिन पास ही नहीं कर पाएगा ढंग से ताकि ब्लैडर तक पहुंचे, बीच में ही रुकावट आ गया तो वहां पर यूरिन का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, यूरिन जमा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमें रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि डायलेशन ऑफ पेल्विक कैलिसल सिस्टम. या फिर स्टोन है, अगर स्टोन फॉर्मेशन है तो भाई स्टोन तो ऑलरेडी रुकावट ही पैदा करेगा यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन में, तो उस कारण तो ऑब्वियसली हमें देखने को मिल ही सकता है. तो ये हमारा है पेल्विक कैलिसल सिस्टम. आई थिंक अब किसी को आप में से डाउट नहीं होगा कि पेल्विक कैलिसल सिस्टम क्या होता है या फिर डायलेशन ऑफ पेल्विक कैलिसल सिस्टम किसे कहते हैं. क्लियर? तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नया टॉपिक के साथ. अगर इस वीडियो में कुछ भी और डाउट है आपके पास तो बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ.